तो आज आप लोग देखने जा रहे हैं कमाल का मैच, जहां पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस है। जी हां दोस्तों, आजकल रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा चल रहा है। आजकल क्या काफी समय हो गया, और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो मैं 90s का हूं, हमारे टाइम पे ब्रॉक लेसनर का असली दबदबा था। तो ब्रॉक लेसनर के सामने खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। अंडरटेकर, गोल्डबर्ग, इसके अलावा कोई खास नहीं था जो ब्रॉक लेसनर से लड़ जाए। हाँ, ब्रॉक को एक टाइम पे लोग मारा करते थे, लेकिन जीत पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया जिसके बाद से ब्रॉक को तो कोई टच भी नहीं कर पाता था, भले ही वो अंडरटेकर ही क्यों ना हो। पर एक चीज मैंने WWE में देखा हूं कि एक बार किसी को सुपरस्टार दिखा दिया गया तो उसका मैच दूसरे सुपरस्टार से एक रेयर कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अंडरटेकर तो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था ही, तो उसके ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत ही कम मैच हुए। तो ये भी मैच हमें कम देखने को मिलता है, जैसे रोमन रेंस और ब्रॉक का। जी हाँ, कई बार हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक मजेदार गेम दिखाया जाए, जिसमें ब्रॉक और रोमन की एक अच्छी खासी फाइट दिखाई जाए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो मेरा रेसलर है वो ब्रॉक है। जी हाँ, मैं प्लेस्टेशन 2 में पेन बहुत अच्छे से खेला करता था, और ये मेरा PS4 है। तो PS4 का मैं गेम खेल रहा हूँ 2019। हाँ, 2019 का ये WWE है। मैंने 2022 का लेने की भी सोचा था, लेकिन 2022 में जो नए प्लेयर्स आए वो मुझसे रिलेटेबल नहीं थे, क्योंकि मैं WWE अब बहुत नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरा जो बचपन था वो पूरा WWE खेलते हुए ही बीता है, देखते हुए ही बीता है। तो इस वजह से मैंने 2019 लिया। मन तो मेरा और थोड़े पहले लेने का था, क्योंकि उसमें जो रेसलर्स होते वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड मुझे लगते, इसलिए मैंने खैर। लेकिन फिर मुझे पता चला कि 17-16 में उतने खास फीचर्स एंड ऑल नहीं है, पता नहीं क्या क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा बेटर नहीं था। 2019 के अच्छे रिव्यू थे, तो मैंने ये ले लिया। खैर, ये तो हो गई मेरे पास और WWE की बात। यहाँ पर अब हम मैच की बात करेंगे। तो ये बढ़िया वाले स्मैक मारा मैंने इसको, रोमन रेंस को, और अब तैयार है अपना F5 देने के लिए। और ये सच बता रहा हूँ, मुझे फेवरेट लगता था। ये देखो, ये फेवरेट पड़ा, यानी यार ये बहुत ही मजा आता था ब्रॉक को देखते। और ब्रॉक का जिसने स्मैक ये वाला खा लिया वो टिक नहीं पाता था। बहुत रेयर लोग होते थे जो इसको सर्वाइव कर जाते थे। और आप यहाँ पे बॉडी देख सकते हैं, नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, रोमन रेंस की बॉडी पूरी लाल पड़ चुकी है, और ये मारा असली बैंड बज गई। ब्रॉक सचमुच में बहुत ही ज्यादा बीस्ट, जिसे कहा जाता है ना, बीस्ट था। अभी देखो, अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ, इसको ये वाला मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत दूर है, मार पाऊंगा कि नहीं, चलो मार के देखते हैं। रिस्क लेना जरूरी है। ओहो, इसलिए हमेशा रिस्क अच्छी नहीं होती है, लेकिन ब्रॉक है, उड़ गया, बहुत बढ़िया। इतनी फास्ट ब्रॉक उठा है ना, जितनी फास्ट तो कोई नहीं उठ पाता। मैं सोच रहा हूँ एक नया रेसलर बनाऊं जो सेम टू सेम ब्रॉक जैसा ही ताकतवर हो, और उसकी लड़ाई ब्रॉक से करवाऊं, तो एक अलग ही मजा आएगा, क्योंकि ब्रॉक को हराने वाले रेयर लोग हैं, और मैं अपना प्लेयर बनाऊंगा तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेंथ, स्टैमिना, जो उसकी मूव्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले डालूंगा। उसकी जो हाइट बॉडी है वो ब्रॉक से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बनाऊंगा। तो खैर, अभी मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, कुछ निकला क्यों नहीं, वापस आना पड़ा। अभी इसको थोड़ा सा धो देता हूँ, अगर ये मेरे निकालते में आ गया ना तो ये मेरी बैंड बजा देगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बार भी इसके मैं हत्ते चढ़ूँ। अगर इसने एक बार मुझे पकड़ लिया मारने के लिए, तो फिर बहुत मारेगा, मुझे पता है। क्योंकि अभी जाके देखूँ क्या, नहीं पहले और मार देता हूँ, ये उठ सकता है, उठ सकता है। जैसा कि मुझे पता है, ये जो रोमन रेंस की तरफ जो नीचे आपको दिख रहा है ना, राइट साइड में नीचे की तरफ, ये ऑरेंज है। अगर ये रेड हो गया तो ये गया। अभी ये ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है ना, ये रेड होना जरूरी है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मार रहा हूँ कि जल्दी से रेड हो और मैं थोड़ा सा जाऊँ नीचे सामान लेने के लिए। और ये एक्सट्रीम रूल्स मैच है, तो मैं कुछ भी चीज़ों से इसको मार सकता हूँ। बचपन में ना WWE खेलने में और देखने में इसलिए ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि कुछ नए नए औजार और सामान से मारते थे। एक बार की बात है, ट्रिपल एच ने शॉन माइकल की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया था। वो सच्चाई थी या फिर नकली पता नहीं, लेकिन मज़ा आया था उस चीज़ को देखने में। बचपन में इसी तरह की मारपीट देखने में बहुत मज़ा आता था, पता नहीं क्यों, पता नहीं, ये वॉयलेंस देखने में, WWE का वॉयलेंस बचपन में लोगों का क्रेज रहता है अभी भी। ये लो, सर फूट गया, खून आने लगा। ओहो, और बचपन में सही में ऐसा खून किसी का आ जाए, उस गेम की TRP देखो, उस वाले मैच की TRP एकदम फाड़ के निकलती थी। अब रोमन रेंस की चटनी बन चुकी है, जैसा कि मैंने बाहर लिखा था। और एक और बार बुरी तरह से इसको पटकना है, ये ले।
अब कुछ निकाला जाए, निकालता हूँ अब क्या मिलेगा अंदर. ऑप्शन 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 ऑप्शन, ये निकालता हूँ, ये ले. इससे जो थार 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 ऐसा बजता है उसमें मजा आता है. ये ऊपर स्टार्स भी अच्छे मिल रहे हैं, 3.5 स्टार्स हो चुके हैं मेरे इस मैच को. ये ले, ओके अब अंदर. अरे कुर्सी में भी खून लग गया, ध्यान से देखो. अभी अंदर आएगा तो इसको बहुत गंदा मारूंगा. तू अंदर नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा. एक बार थोड़ा सा उठा के आता हूँ, अब तो आएगा. ले एक बार मूव मार दूं. ये ले F5, हियर कम्स F5. ये ले और एक बार ये. इसकी बॉडी पर्पल हो गई है. लेकिन मुझे नहीं लगता रोमन रेंस इतना बड़ा स्टार है वो इतना पिटेगा कभी रियल लाइफ में, तो वो पिट नहीं सकता. लेकिन ये गेम है, और जैसे कि आप लोगों को पता है WWE तो मेरा फेवरेट और बाएं हाथ का खेल रहा है, तो मुझसे भिड़ पाना थोड़ा कठिन है रेसलर्स के लिए. ओके आ जा, चल उठ गया, आ जा, घोड़ी क्यों बन गया आज. अरे आ जा, चल ओके आ जा. ये ले उठ, ये ले और खाएगा. अब ये पक्का रिवर्सल. ओए देखो, मेरे को मालूम था रिवर्सल मारेगा. मैं यही नहीं चाहता था, यही नहीं चाहता था, यही. पता है आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने इतने टाइम तक खेला हूँ WWE, लेकिन हम मुझे अच्छे से रिवर्सल मारते नहीं आता. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे इस गेम का, लेकिन पता नहीं क्यों रिवर्सल मैंने सीखा ही नहीं हूँ, सीखा ही नहीं, आता ही नहीं मेरे से. टाइमिंग पे वो R2 जो होती है ना, R2 पे रिवर्सल होता है, वो मेरे से दबती नहीं है. अब आ जा, अब ये ले. हाँ तू ले बेटा, अब तू गया गया तो. और ये जो कंप्यूटर साइड वाले होते हैं ना, इनको रिवर्सल, ये देखो इन लोगों को बहुत अच्छे से आती रिवर्सल. ले एक और बार, एक और बार ले, ले अच्छे से खाएगा. ये ले और खाएगा, और खाएगा. ये फिर रिवर्सल मारेगा. अरे यार मैं परेशान हो गया, मेरे को भी सीखना ही है वाला टैलेंट. अगर मुझे ये आने लगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं हरा पाएगा. ये इतनी मेरी गारंटी है, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है इसमें. अच्छा वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए WWE 2022 कैसा है, मतलब. और एक बार ये भी, मतलब मेरे लिए 2022 तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बताइए कि जो पुराने वाला WWE है, मतलब जिसमें पुराने वाले रेसलर्स हुआ करते थे, हम 90s वाले लोगों के, मतलब टिपिकल 90s वाले नहीं, 90s में तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन 2000 से लेकर 2008 के बीच में जो रेसलर्स आए हैं, वो कौन से वाले वर्जन में मुझे मिलेगा PS4 के लिए, प्लीज सजेस्ट. और वो कैसा है वर्जन खेलने में, ऐसा तो नहीं है कि बोरिंग है, रेसलर मिल जाए लेकिन फीचर्स ना मिले, खेलने में मजा ना आए, गड़बड़ रहे उसमें, बग रहे, तो कोई मतलब नहीं है. ये ले डंडे से भी पिटाई तेरी, ये ले तेरी तो पीट तोड़ दूंगा, ये ले पेट भी तोड़ूंगा. ये ले उठ, उठा भी उठ और खाएगा. ये ले पैर, फिर इसकी बॉडी पर्पल से ग्रे, वाइटिश ग्रे हो गई यार. और ब्रॉक की बॉडी को देखो, कुछ भी नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रॉक की बॉडी दिख रही होगी आप लोगों को. अरे उठ गया, एक बार में उठ गया. इसका ही रिवर्सल था, लेकिन मैंने इसके रिवर्सल को हावी नहीं होने दिया. उठ गया उठ गया उठ गया. हाँ ये और खाएगा. ये ले उठ जा बेटा, उठ जा. ये रिवर्सल ना मार दे इसको, मैं उठा नहीं मार सकता. ये ले ओके. ये ले और कुर्सी मारूंगा तेरे को. ये ले, ये ले, ये ले. अरे ऊपर 3.5 से ज्यादा स्टार बढ़ क्यों नहीं रहे? जितने स्टार बढ़ेंगे उतने ज्यादा मैं पैसे कमाऊंगा, फिर अच्छे अच्छे रेसलर खरीदूंगा ना मैं. बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ नहीं रहा. अब इसको मारूंगा, अब बढ़ेगा क्या? अभी भी नहीं बढ़ रहा. टॉन्ट मारने से बढ़ता है शायद. अब मैं टॉन्ट मारते रहूंगा ना तो ये उठ गया, तो मेरी बैंड बच जाएगी. उठ के आ गया. और नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी 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 शक्तिमान. ये ले हमसे पंगा, हमसे पंगा. और कुछ निकालू क्या इसके लिए? अरे नहीं नहीं सॉरी शक्तिमान, नहीं नहीं मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं. अरे अरे गया, मैं नहीं चाहता था कि ये हो कभी भी. नहीं 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 रिवर्सल. अरे यार, और मारेगा रिवर्सल. मेरे स्मैक वेस्ट कराया तूने. ये ले अभी तेरे तो मुंह तोड़ता हूँ अच्छे से. ये ओ किधर मार रहा है? हाँ सही सही, कई बार गलत चीज भी अच्छी हो जाती है. उठा भी उठ, इसके पैर भी पीले पड़ गए, इसके पैर पीले हो गए, हाथ भी पीले करूँगा मैं, इसके हाथ पीले कर देता हूँ रोमन रेंज को. आजकल बड़ा क्रेज है रोमन का लोगों को,
ये वाला ना तोड़ दे यार, नहीं प्लीज तोड़ना मत, तोड़ना मत, नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, ये ले, ये हुई ना बात। ये अलग अलग कैमरा एंगल से क्या दिखाते हैं। बचपन में ये सोचता था कि ये लोग इतना क्लोजली दिखाते हैं, बहुत सीरियस लेता था ना मैं WWE को, तो मैं सोचता था कि यार इन लोगों को कोई मार क्यों नहीं देता है कैमरे वालों को, बचपन में ऐसा सोचता था। फिनिशर मारूं फिर से? नहीं अभी वेस्ट नहीं करूंगा, अभी वेस्ट नहीं, रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, रिस्क बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। तू अंदर आ जा, अंदर मारूंगा तेरे को, अंदर मार के पिन करूंगा, बहुत हो गया, ऊपर 4 स्टार हो गए हैं, 4 स्टार मेरे लिए काफ़ी है, 100-150 रुपए तो मिल ही जाएंगे, मतलब रियल 100-150 नहीं, WWE में जो गेम के अंदर पैसे कमाते ना वो वाले नकली टाइप के पैसे। ये लो टॉन्ट मारा, बढ़ा दो यार स्टार यार, देखो इतने अच्छे से मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, आया 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 आया, ये ले, अभी मारूंगा, अब बढ़ेगा, मुझे यकीन है, चांसेस लग रहे हैं कि अब बढ़ेगा। ये ले, फिर से इतनी स्मैक है, रियल में रोमन रेंस खाएगा इतना? आप बताओ, नहीं खा सकता रियल में। अब पिन करूंगा, ए बचना जाइए, टू, ओ ओ, ये तो कैसे पॉसिबल है? रियल में ब्रॉक का कोई एक मैक्सिमम 2 खा लेना तो बचेगा नहीं, इसने कितने खाया है आज। इसके बाद देखो, इसके मैंने हाथ भी पीले कर दिया, मैंने बोला था ना रोमन रेंस के हाथ पीले हो गए, ब्रेकिंग न्यूज, पेपर में छपवा दो। ये ले, ये ले, अरे यार बढ़ा दो, शायद किस्मत ये चाह रही है कि मेरे 4 में से 5 स्टार ही हो जाए, तभी ये हारेगा, तभी हारेगा, तभी हारेगा, तभी तभी। फिर से मारो स्मैक, नहीं अभी स्मैक बची है, बची है 3। ये वाला तोड़ रहा है क्या, ये रिवर्सल है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इतना क्लोज में कैमरा लेके आया ऐसे, तो मुझे लगा रिवर्सल होगा। आप लोगों को पता है, मुझे जब पता चला बहुत सारे लोग बोलते WWE फेक है, तो मेरा दिल टूट गया था। क्यों फेक? पता नहीं क्यों, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अभी छड़ी लेके आऊँगा, ये बड़ी गद्दी बजती जब इसको मारो, चैट 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 ऐसी आवाज़ आती। ये ले, क्या नाच रहा था रे तू मेरे सामने, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू, हेड हेड, अब करूँ पिन? नहीं, एक और बार मार देता हूँ फिर पिन करूँगा, एक और बार ले 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 ले, ले। वैसे आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला कौन सा रेसलर का मैच आप देखना चाहते हैं। ये वाला तो मैं जीत गया, और ये 3 मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं जीत गया। अगला मैच आप कौन से रेसलर का देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। ओह, ये कौन आया? ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने पैसों वाला बैग दिखाते हुए भागते हुए, क्या ये मुझसे लड़ेगा? हैं, नहीं, रेफरी को क्यों दे रहा है? ओहो, रोमन रेंज पिटे हुए को और पीटेगा। अच्छा, रोमन रेंज के पास कोई बेल्ट होगा, जो मनी इन द बैंक होते ना, जैसे कि अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन है, उन लोगों के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मैच के बीच में घुस के उससे चैंपियनशिप की ट्रॉफी, मतलब चैंपियनशिप का बेल्ट छीन सकते हैं अगर वो मैच जीत गए तो। तो मनी इन द बैंक, अभी ये तो पिट रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? बड़ा अपना पैसों का बैग लेके आया था, मार वार रहे उसको, शर्म नहीं आ रही? हाँ, क्या ये मैं तो नहीं हूँ कहीं? मैं तो नहीं हूँ, रुको रुको देखता हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, ये कंप्यूटर ही, दोनों कंप्यूटर आपस में लड़ रहे हैं, बताओ, लड़ो लड़ो। हाँ, वैसे आप लोग बताना कि अगला मैच कौन सा आप देखना चाहते हैं, या फिर अगला वीडियो आप किसी और गेम का देखना चाहते हैं, ऑप्शंस बता देता हूँ। GTA 5 है, और ये अपना Uncharted 4 है जिसमें थीव्स एंड वाला है, और Uncharted 4 में लॉस्ट लेगेसी भी है। तो आप बताना ये तीनों गेम में आप कौन सा देखना चाहते हैं, या फिर WWE का ही कोई अगला मैच आप देखना चाहते हैं अपने पसंद के रेसलर के साथ, मुझे आपका इंतजार रहेगा। इनको पीटो पाटो, खत्म करो, तुम खत्म करो यार मैच यार। ये ले, ये ले, मारना स्मैक, स्मैक और पिन कर, खत्म करना। वो ऐसा भी उसकी बैंड बच चुकी है, मैंने उसकी पूरी बजा के रख दी हूँ अच्छे से। ये जीत जाएगा, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत जाएगा, मुझे मालूम है, देख लेना, देख लेना, क्योंकि अभी पूरा स्ट्रॉन्ग उसके हाथ में भी खून लग गया, इतना रियलिस्टिक। ओहो हो, ओहो हो, लड़ो रे, गया ये, गया गया रोमन रेंज, गया गया रे, गया रे, गया। ले, तेरी चैंपियनशिप की बेल्ट की भी बैंड बजवा दिया मैंने,
ये ले। तो मनी इन द बैंक का पावर देखे आप लोगों ने, किसी भी मैच के एंड होने के बाद कहीं पे भी बीच में घुस सकते हैं और जीत सकते हैं। एक बार एक झलक रिप्ले की तरफ कि मैंने किस तरह से इन रोमन रेंस आज के जमाने की सुपरस्टार की बैंड बजा दिया। देखो थोड़ा रिप्ले, कुछ अच्छी अच्छी झलकियां, स्मैक F5, और ये लो इस तरीके से डंडे से पीटा था, और एक और स्मैक मैंने यहाँ पे मारा था, दो यहाँ पे दो हो गए, लेकिन इससे पहले मैंने दो मारा था शायद, लेकिन कोई नहीं। खैर अभी देख लेते हैं खत्म होने से पहले कि कितने पॉइंट्स, कितने रुपए हम जीते इस मैच के लिए। देखो मैंने बोला था ना इसको बेल्ट मिल जाएगा, ये रोमन रेंज का बेल्ट रहा होगा, इसने उसको हरा दिया ना बीच में घुस के, इसलिए इसको ये बेल्ट मिल गया है। चल रहे अब दिखा दे कितने पैसे जीता हूँ मैच में। ओ 26, मतलब इतने बेइज्जती 26।